ये हमारी लस्सी आ चुकी है, टेस्ट करके बताते हैं कैसी है। मजेदार 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 नहीं। नीचे सकलैन भाई मेरा वेट कर रहे हैं, हमेशा मेरी वजह से सकलैन भाई को भी लेट हो जाती है। ओके बच्चों बाय, लेट होगी, सीए ना करना यार, समझ रहे हो ना। सकलैन भाई ने हमें कर दिया है ड्रॉप गज्जू मता पे, तो अभी फहद को कॉल मिलानी है, उसको जगाना है। जब भी उसे कॉल करते हैं वो सो रहा होता है, अभी उसको जगाते हैं। तो अभी उसे कॉल करके कहता हूँ मैं इतने बजे एमए पहुँच रहा हूँ, आप भी पहुँचो वहाँ पे। गजब बेइज्जती है। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती, मतलब ये होता कि इन्होंने तकलीफा ना डील करना। तो आ गया इशू है कि मैं स्टॉप पे पहुंच चुका हूं, लेकिन प्यारा बच्चा फहद से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, ना वो अभी तक स्टॉप पे पहुंचा है। सीए ना करना यार, जलील हो जाओगे। अच्छा यार कितने रह गया फहद, आ जाए यार। हैं यार, ना मेरा पैकेज था कसम खुदा दी, और ना ही नेट पैकेज था। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है ये बंदा, ये प्राणी। इस बंदे ने आज मुझे जलील करके रख दिया है। नाचू मैं आज छम 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 छम। किस चीज का दलील किया भाई? हेलो हेलो, ये सो रहा होता था, इसको मैं कॉल करता था तब इसकी आंख खुलती थी, आज मेरे पास बैलेंस नहीं था। कितने बजे पहुंचे हो स्टॉप पे? कौन से तो मैं बोल रहा 10 बजे अपने टाइम पे, मुझे पता है मैं 9:30 पे निकलता हूँ। 9:30 पे तुम निकलते हो जी भाई? ला दी। नहीं मेरी बात सुनो, लेट क्यों पहुंचे हो? जो मैं इतना तुम्हारा वेट करता रहा हूं, मैंने तुम्हें इतनी मिस कॉलें मारी हैं। आपको तो नाश्ता नहीं देते मुझे, मैंने इतनी तुम्हें मिस कॉलें मारी हैं, बंदा उसका जवाब दे देता है। मेरा पैकेज नहीं था, मैं क्या करूं? कल मैंने तुम्हें कहा था मेरा पैकेज लगा, वो क्यों नहीं लगाया? मेरे पास नेट पैकेज नहीं था, मैं कैसे पैकेज लगाता पहले बताया। जब नेटिंग अवेलेबल नहीं है आपके पास तो आप पैकेज किस पे बात? मैं ऑफिस में ही जब बैठे थे तब से तुम्हें कह रहा था। मैं क्या जवाब करता? मेरे माइंड में नहीं था मेरा पैकेज है। यार तुम लड़कियों की तरह इतने तेज तेज क्यों बोल रहे हो? खैर बताओ ठंडा या गरम? लस्सी पीऊंगा। नहीं नहीं ठंड, अच्छा छोड़ो ये बातें, ठंडा या गरम? ठंडा या गरम? फुल ठंडा। फुल ठंडा, फुल ठंडे में लस्सी मंगवाते हैं, ठीक है? हाँ लस्सी ठीक हो गया, लस्सी डिसाइड होगी। मुंडे नु पीनी है लस्सी, दो लस्सियाँ मलाई मार के ठंडी। एक में मलाई ना? नहीं दोनों ही लाओ। क्यों कही? किस वजह से? यार मलाई बहन हो जाती है यार, वो ना फिर खाना भी तो खाना ना एक बार। क्या लड़कियों की तरह तुम्हारे नखरे, मर्दों वाले खाने खाया करो, खाबे खाया करो। ये हमारी लस्सी आ चुकी है, टेस्ट करके बताते हैं कैसी है। मजेदार। हाँ फहद, ठंडी नहीं है यार। इस क्लाइंट पे तकरीबन 80-90% काम कंप्लीट हो चुका है, और आज या कल में हम यहाँ से कूच कर जाएंगे नए क्लाइंट पे। जो भी लस्सी गर्म होने वाली है, नींद आ रही है, इससे पहले भी नींद आ रही है। अगर काम करवाना है ठीक है, और काम ख़त्म करना है तो इस आपको बोलो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 15-20 मिनट तक में चाय लिए। शर्म है कुछ? थोड़ी सी भी तो शर्म है। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? लस्सी के ऊपर कौन चाय पीता है? तो फहद मियाँ को अभी पीनी है चाय लस्सी के ऊपर, जूनियर ने कह दिया तो फिर चाय मंगवानी बनती है। वालेकुम सलाम जी। एक कप चाय तो भेज दीजिएगा। मैं भेज देता हूँ। थैंक यू। 12 seconds later। ओए होए बड़ी हैवी वैशी किस्म की चाय है सर। यार जमशेद भाई यार क्या यार, ये आपकी चाय अभी लस्सी पी है यार, आप कह रहे हो चाय पी रहे ऊपर से। हाँ अगर आपको ज़्यादा खाने पीने के शौक़ नहीं है तो सीए में मत आना यार। Day 2। व्लॉग में हमें थोड़ी सी चेंजेस करना पड़ गई हैं, बल्कि हमारा व्लॉग डिस्टर्ब हो गया है।
कल अचानक से काम का इतना बर्डन पड़ा है, इतना बर्डन पड़ा है, कैमरा उठाने की तो दूर के बाद सर खुजाने का भी टाइम नहीं था। खैर ये उससे अगला दिन है और अभी 2:15 बज रहे हैं और अभी टाइम है लंच का और फहद मियाँ बड़ी बेसब्री से लंच का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी भी काम का जो बर्डन है ना वो बहुत ज़्यादा है, अभी भी बहुत बिजी हैं, बस थोड़ा सा टाइम निकाल के कैमरा पकड़ा है। खैर अभी लंच का वेट किया जा रहा है और लंच में आज हमने ऑर्डर की है वकास बिरयानी। वकास बिरयानी किसकी फरमाइश पे? फहद मियाँ की फरमाइश पे, जो इस टाइम सुबह से काम कर करके ना इस टाइम जो एनर्जी लेवल होता है ना वो लो ही होता है। ये हमारी वकास बिरयानी आ चुकी है। फुल वकास बिरयानी की क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा होती है, दो बंदे इजीली खा सकते हैं। अभी लंच का टाइम है, लंच के बाद मिलते हैं आप लोगों से। फहद किससे बातें कर रहे हो? यहाँ पे फहद ऑडिट प्रैक्टिस मैनुअल के प्रिंट दे रहे हैं और खुद से बातें कर रहा था। अच्छा ये हो गए, इतने रह गए, फलां हो गया, ये हो गया। आपकी किस्मत ही खराब है। लाइट गई हुई है और इधर हमारा भी काम चल रहा है, सबसीक्वेंट क्लियरेंस कंप्लीट ही नहीं हो रही। नहीं। आपकी परचेजेस हो गई? आपकी परचेजेस होगी? नहीं, सारा सारा दिन सोए रहे तो फिर ऐसे काम तो नहीं होते हैं। इस भाई साहब की आपको चलाकी दिखाते हैं, ये देखें ये चाय कितनी मजे की है। और ये उसे कह रहा था ये चाय अच्छी नहीं है, वापस ले जाओ। वापस वो ले जा नहीं सकता था, इसे भी पता था। अब इसने गेम ये चलाई है कि ये वाली चाय भी पिएगा। उसको बोला है मुझे अपने हाथ की बना के दो, अभी घंटे बाद वो अपने हाथ से बना के चाय लाएगा, वो भी पिएगा। इसका कप कहाँ पे बड़ा है, कहाँ पे? ये देखें ये कप खाली कर दिया इसने। कितनी चाय पीनी है तूने एक ही दफा? एक कप हो जाए। हर घंटे बाद एक एक कप चाहिए होता है तुम्हें? नहीं नहीं, ज़्यादा भी नहीं पीनी ना, गर्मी में। चार कप तो तुम पीते हो डेली यार, काम कैसे करना है? चाय हम में से अल्लाह का शुक्र है कोई भी स्मोकिंग नहीं करता। आप नहीं करते स्मोकिंग? नहीं। फिर आपका अल्टरनेटिव क्या रखा हुआ है आपने? पास तो होता है ना हर चीज का। अल्टरनेटिव क्या रखा हुआ है? स्मोकिंग से अलावा चाय स्मोकिंग नहीं करते हम। नहीं नहीं नहीं, अल्टरनेटिव क्या रखा हुआ? क्या रखा हुआ? कुछ और होगा ना? नहीं, उससे तो मेरा दिमाग चलता है ना जब तक वो और हम काम फिनिशिंग की तरफ लेके जा रहे हैं, मतलब जो चीजें थोड़ी बहुत पेंडिंग है उनके प्रिंट्स लेके लगा रहे हैं और मेरा जो एक काम बाकी है वो सबसीक्वेंट क्लियरेंस का बाकी है, तो हो जाए तो हमारा काम मुकम्मल। बहुत अल्लाह साई है, अल्लाह लोग इसकी बातों को इग्नोर करना है आपने, ये अल्लाह साई है। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? ये हमारे सीनियर जमशेद भाई हैं, उनको पता ही है व्लॉग पहले देख ही चुके। नहीं नहीं, उनको नहीं पता ना, मैं इसलिए मैं आपको। अच्छा ठीक है, बोलो। ठीक है ठीक है, ये सीनियर है तो ऑडिट हमारा ख़त्म हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, 3 वीक्स हो गए हमारे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहे। और इसमें यह था जमशेद भाई ने लस्सी बड़ी हुई है और इनसे कमेंट में ये ज़रूर पूछिएगा अगर आप स्मोकिंग नहीं करते तो क्या करते हैं आप। तो हम भी इनको इंशाल्लाह बहुत जो है ना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जाने वाले हैं। ठीक, आप जमशेद भाई का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें, उनको शेयर ज़रूर। कोई तरीका है भीख मांगने का? उनके जो CA में आना चाहते हैं अभी जो कैप लेवल में है ना, उनको वो बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि हम भी देखें कि जब आर्टिकल्स होते हैं वो कैसे अपना उनकी रूटीन क्या होती है, क्लाइंट पे कैसे जाते हैं, कैसे डीलिंग होती है, क्या काम करना होता है, उनको नहीं पता ना, मतलब वो देखना चाहते हैं। अगर आप लोग फारिग हैं तो जिन तक हमारे व्लॉग्स नहीं पहुंच रहे उनको भी दिखाएं, उनको फारिग करवाएं।
हाँ ठीक है, उनको फारिग करवाएं। ये आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जब इंडस्ट्री में इसमें फॉर्म में आओगे, इंडस्ट्री में जाते हो, जहाँ पे भी जाते हो, जब आप आओगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कैफ क्वालिफाइड, आप कैफ पास करें, जरूरत कोई नहीं है क्या होता है फ्यूचर के बारे में, पहले से ही उसके बारे में सोचना, अच्छा यार ये काम करते हैं, बजाय वो चीज़ सोचने के पेपर्स के बारे में सोचें, उनको विद इन शॉर्ट टाइम या विद इन लिमिटेड टाइम में उसको क्वालिफाई करें। A few hours later. तो अभी पैकअप टाइम है, यहाँ से निकलते हैं, बाय बाय बोल दो।